Evidari. So this is the third part of our Srinagar Leh leg. So first part was Srinagar to Zozila War Memorial. Second part was Zozila War Memorial to Kargil War Memorial. And now third part is Kargil War Memorial to Leh. हमने फर्स्ट पार्ट में Zozila क्रॉस किया था और Zozila रोड है जो कि डेंजरस रोड है इन द वर्ल्ड वो भी क्रॉस कर लिया है हमने और सक्सेसफुली कर ली है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी तक भी हम लोग सब लोग फ्रेश है. देयर इज नो माउंटेन सिकनेस. विराज बिल्कुल ठीक है. वी आर ऑल्सो फाइन एंड इज एंजॉइंग. विराज इज एंजॉइंग मोर. और अब हमें कारगिल से ले तक का सफर तय करना है. तो देखते हैं विवेक जी हमें कैसे पहुंचाते हैं वहां तक, क्योंकि वो सुबह के चले हुए हैं. हम लोग सब लोग सुबह के चले हुए हैं. एंड लेट्स सी अगर वो टायर्ड नहीं होते हैं, उनको लगता है कि हमें पहुंचा देंगे, तो विल सी यू इन ले इन द नेक्स्ट ब्लॉग. सो बी विद अस इन दिस जर्नी एंड स्टे ट्यून्ड. सो दिस इज द रूट मैप विच वी हैव फॉलोड फ्रॉम श्रीनगर. Srinagar, then Sonmarg, and after Sonmarg with Kargil, that's Kargil War Memorial, and then from Kargil War Memorial to Lama Yuru and then to Leh. So we have covered till Kargil War Memorial. Now we'll be going from Kargil War Memorial to Leh, and good part is that elevation is gradually increasing. Viraj, Viraj is looking so handsome. Viraj, kahan pe aaya? This is Kargil Memorial. Oh my God. So now we'll continue our journey, and this is the third part of our Srinagar to Leh road trip. So it's 4:15 PM. अभी late तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम लोग. और हमें जो गूगल मैप दिखा रहा है, इट्स शोइंग हम लोग 9:15 तक हम लोग ले पहुंच जाएंगे. लेकिन उसमें भी एक दो घंटा आपको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगेन माउंटेन पे हो एंड अगेन सी ब्यूटीफुल वाटरफॉल अगेन. सो विल कीप सीइंग दीज काइंड ऑफ वाटरफॉल्स एंड डिफरेंट लैंडस्केप ऑल्सो, डिफरेंट कलर ऑफ शेड्स ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो. अगेन कैटल्स हियर. तो हमें फर्स्ट टाइम काउस दिखे हैं यहाँ पे. अभी हॉर्सेस दिखे थे, कहीं शीप कहीं गोट्स. दिस द फर्स्ट टाइम वी सॉ काउस हियर. सो नाउ टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी बहुत गर्मी है यहाँ पर, काफ़ी गर्मी है. इस एल्टीट्यूड पे इतना टेम्परेचर एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इन्जॉय द व्यूज. साथ में रिवर है हमारे. हाँ जी, कहाँ पहुँचे? अब हम कारगिल. क्या इरादा है आज रात का? ले का? ले ले में रुकेंगे. चलो ठीक है, आप पहुँच सकते हैं. आप शाम 9:30 तक पहुँच जाओगे. हम जो टाइम बता रहा है अभी बता रहा है 9:15 में पहुँचेंगे. हम एक घंटा और जोड़ रहे हैं, नहीं 10 बजे तक पहुंच पाएंगे. देखिए एक या दो ब्रेक लेंगे. इतना खूबसूरत रास्ता है, बता नहीं सकते. मैंने बोला ना आपको पहले ही, अच्छा है, बहुत अच्छा. लेकिन वो जो Zozila पास था तो वो तो अलग ही लेवल था. अभी एजाज भाई का फोन आया था, जिनके साथ हमने पूरे कश्मीर एक्सप्लोर किया है, जो हमारे होस्ट थे कश्मीर में. सो इट वॉज कंसर्न, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं श्रीनगर से 6:20 तक, और अभी 4:00 के आसपास हो चुका है. तो उनका ये था कि आपका कहीं रुक रहे हो या आप डायरेक्ट ले जा रहे हो. सो इट वॉज रियली कंसर्न. हमने उनको बता दिया कि हम लोग डायरेक्ट ले ही जा रहे हैं. एंड नाउ एंजॉय द ब्यूटी, क्योंकि ये रिवर हमारे साथ कितनी देर से हमारे साथ साथ चल रही है, जो हमारे स्पीड के साथ मैच कर रही है. Thank you.
नाउ वी आर अप्रोचिंग कारगिल सिटी और आपको जो साइड में जो द्रास रिवर दिख रही है इसका फ्लो तो कुछ ज़्यादा ही है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो आई सजेस्ट कि आप इसको बड़े स्क्रीन पर देखो अगर पॉसिबल है तो, इट विल लुक मच बेटर मोर ब्यूटीफुल। अगर हम सीधा जाते हैं तो विल गो टू कारगिल सिटी और हम लेफ्ट लेते हैं तो बाईपास होते हुए विल टेक द हाईवे। सो एंजॉय द व्यूज। बाईपास ले लिया है सो नाउ कारगिल सिटी इज ऑन द राइट साइड एंड द रिवर विच इज फ्लोइंग हियर इज सुरू रिवर। तो आपको रिवर भी आपको राइट साइड में दिखेगा एंड कारगिल सिटी इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड। हमें जहाँ से भी अच्छा व्यू दिखेगा कारगिल सिटी का विल डेफिनेटली शो यू द व्यू ऑफ कारगिल सिटी ऑल्सो। देखिए हम लोग कारगिल सिटी में गए तो है नहीं तो हम लोग यहाँ से व्यू तो देख ही सकते हैं। सो इट्स 5 PM और हमने एग्जैक्टली 1600 किलोमीटर्स कवर कर लिया है फ्रॉम दिल्ली टिल हियर। उसमें हमने कश्मीर भी घूमा है, मतलब कश्मीर हमने काफ़ी घूमा है, पहलगाम, सोनमर्ग एंड द प्लेसेस अराउंड श्रीनगर। मन तो बहुत था कारगिल में रुकने का और आइडली में रुकना भी चाहिए था कारगिल क्योंकि हमारा इतना लंबा रन हो रहा है, लेकिन अभी हमारा फिर लेह में हमारे पास बहुत कम दिन बचेंगे तो वी आर ट्राइंग टू रीच लेह टुडे ओनली एंड लेट्स सी कि हमारा साथ कैसे क्या रहता है, अभी ड्राइव कैसी रहती है। ड्राइव तो बहुत ही अच्छी है आफ्टर जो जिला, एज यू कैन सी दो वॉल्स के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर बड़े कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और ब्लाइंड कर्व्स भी होते हैं लेकिन बड़े सॉफ्ट से कर्व्स है क्योंकि रोड इतनी स्मूथ है। तो फर्स्ट टाइम मैंने माउंटेन्स पर इतनी सुंदर रोड, मतलब इतनी क्या बोलते थे स्मूथ रोड ये प्रॉपर वाली, क्योंकि आप जोजिला से आ रहे हैं तो आप तो बिल्कुल डर ही गए थे कि ऐसे ही रोड्स मिलने वाली हैं, बट आफ्टर कारगिल रोड्स आर लाइक एक अनदर लेवल पे हैं यहाँ की रोड्स। तो बी आर ओ हैट्स ऑफ टू बी आर ओ जिन्होंने इतनी अच्छी रोड बनाई हुई है यहाँ पे कि आप इंजॉय कर सको इस ब्यूटी को। एज यू कैन सी अभी हमारे राइट में आपको कारगिल सिटी दिखेगा। सो आई टोल्ड यू कि मुझे ऐसे ही कारगिल सिटी दिखे, हम आपको दिखाएंगे आपको। सो दिस कारगिल सिटी तो अभी रुकना चाहिए था एक दिन, सो ये हमेशा रहेगा। तो हम लोग फिर से एक बार रोड ट्रिप जरूर करेंगे यहाँ लेह लद्दाख का। तो हम लोग कारगिल से 35 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं एंड ऑन द राइट साइड इज के मॉनेस्ट्री ऑफ शारगोल जो कि एक माउंटेन में है। तो अगर किसी को चांस मिले तो वन शुड विजिट दिस प्लेस ऑल्सो, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री इन द माउंटेन्स। अभी हम लोग तो नहीं जा पा रहे बट नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली विजिट दीज प्लेसेस। अभी तो पता नहीं क्या, हम लोग इतना लंबा टाइम लेके फिर भी हम लोग जितना सब कुछ देखना चाहिए हम लोग नहीं देख पा रहे, तो ये एक मन में हमेशा रहेगा। विल डेफिनेटली मेक वन मोर रोड ट्रिप अगेन एंड विद लाइक प्रॉपर एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे, हर जगह रुकते हुए जगह देखते हुए जाएंगे। एंड आफ्टर दिस मॉनेस्ट्री 10 किलोमीटर्स पर मलबेक मॉनेस्ट्री है। तो जब हम लेह पहुँचे तो हमने बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज को क्रॉस करते हुए जाएंगे। मलबेक के बाद में फिर हम लोग पास पर जा रहे हैं, दैट इज नामी काला जो कि सेकेंड पास है। नामी का इज द नेम ऑफ द पास एंड ला इज पास। अब हम लोग नामी काला का अभी पास लगाने लग गए हैं। सो या सो पास इज लाइक ऑन द, जब भी आप हाइट पर पहुंचते हो दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट माउंटेन एंड देन यू डिसेंड। यहाँ पे आपको गुम्पास दिख रहे हैं तो जहाँ पे भी आपको ऐसे ग्रीन सा दिखेगा तो वहाँ पे या तो छोटा सा विलेज होगा या टाउन होगा। We'll be right back.
वी हैव रीच्ड मलबिक मॉनेस्ट्री। स्टोन पर काव बुद्धा है एंड इट्स अ ह्यूज लाइक मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है यहाँ पर, जो कि जो टेंपल है उसे थोड़ा सा आप हाईवे से नहीं देख सकते, सो यू शुड गो देयर एंड विजिट दिस मॉनेस्ट्री। और जो गोम्पास जो मैंने आपको दिखाए थे, दे आर एट 656 फीट अबव दिस रोड लेवल, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाके जाना पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नामिकाला। Again, another green patch between these mountains. So this mountain range is Jhanskare. और जो लद्दाख रीजन है इट्स डिवाइडेड बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट, वन इज ले एंड द अदर इज कारगिल, एंड ले इज द लार्जेस्ट टाउन फॉलोड बाय कारगिल। तो जो ले डिस्ट्रिक्ट है इट कंटेन्स इंडस, श्योक एंड नूबरा रिवर वैलीज, और जो कारगिल है इट कंटेन्स सुरू, द्रास एंड झंस्कार रिवर वैली। तो इस तरीके से लद्दाख डिवाइडेड है। So from here, Namikala is 3 kilometers, Khalsi is 82 kilometers and Leh is 178 kilometers. So still a long way to go. So we are ascending towards Namikala. It's one of the most beautiful road journeys which we have done till now. आज जिस तरीके से माउंटेन्स देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि नेचर ने इन पर कार्विंग करके रखा हुआ है। सो अगेन अब सनसेट होने वाला है और सन हमारे कुछ सामने है, तो देखते हैं सनसेट कहाँ मिलता है। नामिकाला पे मिलता है ये, फोटियोला पे मिलता है। So now we have reached Namikala, second pass, which is at the height of 12,198 feet. The altitude 12,198 feet है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा विंड का स्पीड है कि यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। और हम लोग बिल्कुल जो इतने पूरा रात चलते हुए आए हैं तो डस्ट में ऐसा हो रहा है, नेचुरल पाउडर भी लग चुका है। एंड एज वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जैसा कि हम लोग बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड है तो यहाँ पे तो पिक्चर क्लिक करना बनता है। सो वी हैव सम पिक्चर्स हियर। Now we have started descending from Namikala, और यहाँ से जो Fotula है इट्स 33 किलोमीटर्स। अभी हम लोग डिसेंड कर रहे हैं, फिर Fotula के लिए अगेन वी हैव टू असेंड। सो इन्जॉय द व्यूज, आपको ये व्यूज़ कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी जगह मिलते हैं इस तरीके व्यूज़ देखने को। जस्ट लुक एट द स्काई, आज बिल्कुल सनी है तो हमें ये बहुत अच्छा मिल गया कि आपको जो लाइट पड़ रही है माउंटेन्स में, तो अगेन यू गेट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स हियर।
अगेन वी आर इन गोल्डन आवर, सनसेट होने वाला है और हमें शायद फोटोला पे ही सनसेट मिलेगा। सो अगेन हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस हाईवे श्रीनगर टू लेह का जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है फोटोला, तो विल गेट टू सी सनसेट देयर। तो हम इतने अच्छे टाइम में निकले, हमें लग रहा था हम लेट हो रहे हैं बट इसमें भी कुछ अच्छा है। सो अगेन यू कैन सी द जो भी रेज जो फॉल हो रही है इन माउंटेन्स, सो ब्यूटिफुल एवरीवेयर। अगेन अनदर ब्रिज हियर, और यहाँ पे बाइकर्स शायद ब्रेक लिया हुआ, उन्होंने मस्ट बी टेकिंग रेस्ट, मस्ट बी प्लानिंग द जर्नी है कि उनको भी आगे लेह तक जाना, जिस तरह से हम लोग लेह तक जा रहे हैं। सो अगेन ब्यूटिफुल माउंटेन्स हियर। रोड्स पे तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रही हैं? मस्त यहाँ पे इनको नेटवर्क मिला होगा तो शायद फोन पे बात कर रही होंगी। सो ना फोटोला 13 किलोमीटर, लामा यूरू 30, खलसे 55, अल्ची 97, ले 154 किलोमीटर, स्टिल लॉन्ग वे। सो ना विल बी पासिंग दिस फोटोला पास एंड देन टू मोनेस्ट्रीज, लामा यूरू एंड अल्ची। और हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो वी हैड बीन टू लामा यूरू एज वेल एज अल्ची। So now this is an invisible village जो हेना स्कूल करके है, यहाँ से आई थिंक ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। सो दिस इज वॉट आई नो अबाउट दिस प्लेस, अगर किसी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन हो सो प्लीज शेयर विद अस। अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल सनसेट ऑन टॉप ऑफ दी वर्ल्ड। तो हमने सनसेट देखे हैं बट दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। हमने इस तरीके का सनसेट मोनार्किया में देखा था हवाई में एट द सेम हाइट, दैट वॉज ऑल्सो 13,008 feet आई थिंक, बट वो हमने क्लाउड्स के ऊपर सनसेट देखा था। सो दैट वॉज डिफरेंट एंड दिस इज ऑल्सो लाइक डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ के माउंटेन रेंज बिल्कुल डिफरेंट है। So now we are about to reach Fortula. आपको जो डिश नज़र आ रही है दीज आर लाइक ये प्रसार भारती जो लामा यूरोप में जो ब्रॉडकास्ट होता है उसके लिए है। सो यस वी हैव रीच्ड फोटोला पास विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस हाईवे दैट इज श्रीनगर टू लेह।
सो अगेन ब्यूटिफुल सनसेट एट 13,479 feet. तो यहाँ पर तो पिक्चर लेना बनता है. सो विल टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर विद विराज. हाँ, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई. कुछ बाइकर्स मेरे पास आए थे, बोलते हैं हमें विराज के साथ हम फोटो क्लिक करा सकते. दे वेरी सरप्राइज टू सी सच अ स्मॉल बेबी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट. बोला हमने कभी देखा नहीं था छोटा बच्चा यहाँ पर. एकदम जब तारीफ कर रहे थे रोड की, तो एकदम से ही ख़राब रोड आ गया है. अब बीच में रोड के बीच में इतने बड़े बड़े पैचेस हैं और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं उन पैचेस के पास में. तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है स्पेशली रात के वक्त. अभी हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, हम लोग देख लेंगे. जो बाइकर्स होते हैं तो थोड़ा सा संभल के चलाना होगा इस रोड पर. अभी जैसे ही डिसेंड करना स्टार्ट किया है, अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है. सो वी वर एट द राइट टाइम एट द राइट पॉइंट टू सी द ब्यूटिफुल सनसेट. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो हम लेंगे वो हम लामा यूरू पर लेंगे एंड यू कैन सी लामा यूरू फ्रॉम हियर. तो अभी तो रात हो चुकी है तो वी कांट गो टू द मॉनेस्ट्री. तो हम लोग देखते हैं, वील टेक एक छोटा सा ब्रेक तो हम लेंगे यहाँ पे. Excuse me, restaurant? Is there any restaurant? Good restaurant? Yes, हमारे इधर आ जाओ. ये? नहीं नहीं इधर ही. थोड़ा पीछे आ जाओ. अच्छा है वो? हाँ अच्छा है, हमारा ही है ना. अच्छा. अटैच बेड रूम भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ है. पार्किंग भी है? हाँ पार्किंग भी है. गेट के अंदर मिल जाएगा आपको. कौन सा है आपका? हाँ यही वाला. यही वाला? हाँ जी. पीछे कैसे हैं? हाँ पीछे कैसे हूँ मैं? मतलब क्या बोला? बैक करके पीछा हूँ. हाँ आप लोग बैक करके पीछा हो फिर ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है ना. Viraj, where are you? Where are you? सब देखा नहीं देगा. क्या नाम है इसका होटल का? लामा यूरू गेस्ट हाउस. लामा यूरू गेस्ट हाउस. हाँ जी. सीधा पहला यही पड़ता है ना आप जब नीचे उतरते हो तो? हाँ जी. है ना? हाँ. तो यहाँ पे रहने के लिए भी है? है. और खाने पीने का सारा कुछ है? वेजिटेरियन सारा कुछ है? सब कुछ. हाँ. और सारा साफ सफाई है जो देखा? अच्छा अच्छा. मॉनेस्ट्री हाँ ये थोड़ा सा. हाँ, वो अच्छा पूरे कहीं पे भी लाइट नहीं लामा यूरू में? ओ. नहीं तो दिखाई देता है ना यहाँ से अच्छा लाइट नहीं ना इसीलिए. आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंजांग. कुंजांग? हाँ जी. अच्छा ठीक है कुंजांग. अच्छा, झूले झूले. नमस्ते. चलो हम लोग जल्दी आएंगे ना. ठीक है ठीक है. ओके. हाँ एक सेकेंड. हाँ विराज आ जाओ. आओ आ जाओ बिट्टू. बाय बाय बेटा. बाय 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 विराज. बाय. लाइट नहीं है आज बट देयर गुड स्टार्स हियर.
अगेन आरटीपीसीआर चेक हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले द्रास में हुआ था, अभी लेह में एंटर होने से पहले किया है खलसी में। सो अभी हम लोग रात में यहाँ पे आए हैं, 10:00 हो चुका है। तो हमने कॉन्फ्लुएंस क्रॉस किया झंस्कार इंडस रिवर का, मैग्नेटिक हिल भी क्रॉस कर चुके हैं, एंड नाउ दिस इज पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो अभी तो रात है तो अभी हम लोग कहीं जा नहीं सकते, कुछ आपको ऐसा दिखा नहीं सकते, बस आपकी लाइट्स देख सकते हैं। तो अभी एक दो दिन रेस्ट करने के बाद में देन विल कम हियर ड्यूरिंग डे टाइम, तो विल मेक अ ब्लॉग अबाउट दैट ऑल्सो। अभी ना देखते हैं अभी होटल पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो हम रात में ले देख रहे हैं, हम वे आई रात में, सो नाउ दिस इज हॉल ऑफ फेम। तो ये अभी ये सब कुछ रात में आपको नजर आ रहा है, लाइट्स वगैरह, सो दैट इज लेह सिटी। अपना फ्लैग देखने को मिल रहा है, सो इट रियली लाइक मेक्स यू फील प्राउड व्हेन यू सी योर फ्लैग लाइक दिस। सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच आवर होटल ऑल्सो। अभी थोड़ा सा नैरो स्ट्रीट टू से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं रात कुछ पता नहीं है, तो अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन द गूगल। सो वी आर रीच आवर होटल, सो दिस इज आवर होटल हियर। सो हम आपको पूरा अपने होटल का टूर देंगे, एंड वी हैव कवर्ड 415 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। वी हैव रीच्ड लेह सेफली। मेरा थोड़ा तबीयत डाउन हुआ पड़ा हुआ है, सो लेट्स सी अब कितने दिन, एक दो दिन कितने दिन रेस्ट लेते हैं, फिर देन अगेन विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लेह। हम इतनी नाज हो गए हैं, सुबह से चले हुए श्रीनगर से 6:20 एंड 12:30। हाय, सो नाउ वी हैव रीच्ड लेह और हम सब लोग पहुंच गए हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम, मुझे माउंटेन सिकनेस है। तो जब भी मतलब मुझे ये सिकनेस बचपन से है, बट मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, एंड स्पेशली व्हेन विवेक इज़ ड्राइविंग। सो आई एम वेरी कम्फर्टेबल व्हेन ही इज़ ड्राइविंग बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी स्लोली और बहुत आराम से ड्राइव करते हैं, जिससे कि जो पैसेंजर सीट पर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई डिट हैड एनी प्रॉब्लम, पता नहीं लामा यूरी पर पहुंचने पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, एंड अभी लेह में पहुंचकर अभी थोड़ा सा आई हैव हेडेक, तो ऑक्सीजन लेवल भी लो है। सो लेट्स सी अभी एक दो दिन में आई रिकवर। अभी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन सिकनेस। सो नाउ आवर नेक्स्ट ब्लॉग विल बी ऑफ लेह। तो हमने लेह में क्या क्या कवर किया है, तो लेह में जो भी हम कर सकते थे, एक दो दिन हम लोग रेस्ट लेंगे, एंड देन विल बी कवरिंग ले। और हम आपको अपना जो भी होटल में है विल गिव यू द होटल टूर ऑल्सो। इट्स अ वेरी नाइस होटल, वेरी नाइसली लोकेटेड, बहुत अच्छी लोकेशन पे। यहाँ से सामने शांति सुबह दिखता है और बहुत ही ग्रीनरी है आसपास। सो आई विल गिव यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस होटल। सो बी विद अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and keep taking precautions as I am continuously saying, because still अभी pandemic चल रहा है, जब तक ओवर नहीं हो जाता है सब लोग अपने precautions लेते रहिए, and God bless।